Hello everyone, my name is Savita. I am a spiritual life coach and spiritual healer. आज मैं बात करने जा रही हूँ हुंकारा विद हलीम के बारे में कि हुंकारा विद हलीम क्या होता है और इसे हमें क्यों सीखना चाहिए। रेकी एंड लावा फेरा एंड दूसरी हीलिंग मोडालिटीज़ की तरह हुंकारा विद हलीम भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है जिसके ओरिजिनेटर हैं डॉक्टर एस के सैनी। डॉक्टर एस के सैनी ने ही लावा फेरा, योग माया एंड हुंकारा विद हलीम जैसे हीलिंग मोडालिटीज़ को बनाया और उसको ह्यूमैनिटी को एज ए गिफ्ट दिया। हुंकारा विद हलीम एक बहुत पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है जिसमें माँ काली और माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। श्री विद्या साधना के अकॉर्डिंग 10 महाविद्याएँ में से 2 महाविद्या माँ काली और माँ बगलामुखी की होती है। इन्हीं 2 महाविद्याओं से ही ये हीलिंग मोडालिटी बनी है हुंकारा विद हलीम। हुंकारा विद हलीम में कई लाख मंत्रों की वाइब्रेशन है और हीलिंग मोडालिटी की तरह इसमें भी सिंबल्स होते हैं एंड इसमें भी बीज मंत्रा भी होते हैं। इन सिंबल्स में बहुत सारे लाखों मंत्रों की वाइब्रेशन होती है बट इन सिंबल्स के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सिंबल के बारे में कुछ नहीं बता सकती। ये सिंबल्स में लाखों मंत्रों की वाइब्रेशन होती है, लाखों मंत्रों की पावर होती है। इन सिंबल को याद करने भर से, इनको चैट करने भर से ही आप लाखों मंत्रों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारे ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए होते हैं, जो 3 हमारी प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। इन 3 प्रमुख नाड़ियों से ही ये चक्रास जुड़े हुए होते हैं। जहाँ जहाँ पे ये नाड़ियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ वहाँ पे चक्रास बनते हैं। इन 7 चक्रास के अलावा भी हमारे कुछ चक्रास होते हैं जिनको कि गुरु चक्रास कहा जाता है। इस हीलिंग मोडालिटी में इन्हीं गुरु चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है और इसके साथ साथ हमारे जो एक और नाड़ी होती है जिसको ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है, ये ब्रह्म नाड़ी हमारे 3rd आई से हमारे क्राउन चक्रा को जोड़ता है। इन्हीं इसी ब्रह्म नाड़ी के ऊपर 2 हमारे और चक्रास होते हैं, त्रिकुटी एंड भ्रिकुटी, जिन्हें गुरु चक्रा भी कहा जाता है। जब आपका ये दोनों चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपका इंट्यूशन पावर तो बढ़ता ही है, साथ ही आपकी मेमोरी, आपके ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। आपके सबकॉन्शियस से भी ये नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव ब्लॉक्स को निकालता है, साथ ही आपके और चक्रास से भी जो कि हमारे ब्लॉकेज होते हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, उनको निकालता है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इस हीलिंग मोडालिटी को किसे सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। इस हीलिंग मोडालिटी को हर किसी को सीखना चाहिए, हर कोई सीख सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या एक हाउसवाइफ हो, हर कोई इस हीलिंग मोडालिटी को सीख सकता है। किसी भी एज ग्रुप का इंसान इस हीलिंग मोडालिटी को सीख सकता है। स्पेशली मैं स्टूडेंट के लिए कहूँगी कि इस हीलिंग मोडालिटी को सीखने के उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनकी ब्रेन के पावर को बढ़ाता है, उनके लर्निंग पावर को बढ़ाता है और साथ ही साथ अगर उनके अंदर किसी भी तरह के कोई ब्लॉक होते हैं, अगर किसी तरह का मेंटल ब्लॉक होता है, इमोशनल ब्लॉक होता है, तो उसे भी दूर करता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, वो अपने विज़न को देख सके, अपने गोल को अचीव कर पाए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन का, अपने माइंड का यूज़ करना है, वहाँ पर भी ये हीलिंग मोडालिटी उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्रेन के पावर को, माइंड के पावर को एंड लर्निंग पावर को बढ़ाता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, तो दूसरों की ऑरा, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी भी हमें अफेक्ट करती है। ऐसे में इसके सिंबल्स इतने पावरफुल होते हैं कि सिंबल से आप किसी भी तरह के कॉर्ड्स को, एनर्जेटिक कॉर्ड्स को, किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स को आप तुरंत कट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑरा क्लिंजिंग के साथ साथ आपके चक्रास की क्लिंजिंग भी बहुत आसानी से एंड बहुत कम टाइम में करता है। ऑरा के क्लिंज करने के साथ साथ
अगर आपको किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करना है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं या किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आप कोई फिज़िकल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई आपका गोल है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो भी ये हीलिंग मॉडलिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस तरह के मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, आप अपने माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल सकते हैं, नेगेटिव एंड हार्मफुल एनर्जी से बचा सकते हैं खुद को। इस तरह से ये हीलिंग मॉडलिटी सभी को सीखना चाहिए। इस मॉडलिटी को सीखने के बाद आप दूसरों को भी ईजिली इस हीलिंग को सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी अट्यून कर सकते हैं, अपने घर वालों को अट्यून कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस हर चीज़ सिखाई जाती है, पूरा सिखाया जाता है, अट्यूनमेंट देना सिखाया जाता है, एंड किस तरह से आपको हीलिंग करना है, किस तरह से सिद्धिकरण करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसको सीखने के बाद से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें कि सब कुछ कवर हो जाता है, आपके सारे सिंबल्स एंड सारे लेवल्स इसमें कवर हो जाते हैं। और इसको सीखने के बाद से आप इसको दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ये था हुंकारा विद हलीम के बारे में, और सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियोज़ को देखिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।